हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में रिटर्न टाइम कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगी, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखना रहता है फ़ोन में सेटिंग, सेटिंग को ओपन करना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉर में सिस्टम, सिस्टम पे क्लिक कर लेना। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फॉर में, यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डेट एंड टाइम, आपको क्लिक कर लेना। डेट एंड टाइम पर क्लिक कर लेना। यहाँ से आपको डेट पे क्लिक करके डेट चेंज कर लेना। डेट चेंज करने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ओके कर देना। यहाँ पर आपको टाइम पे क्लिक करके टाइम सेट करेंगे। टाइम सेट करने के बाद में यहाँ आपको ओके कर देना। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज़ नेट में परमानेंट टाइम, जिसके आपको इसको ऑन कर लेंगे तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में डेट एंड टाइम चेंज करेंगे। 24 घंटे बाद टाइम रखना चाहते हैं तो आपको ऑन कर लेना, 12 घंटे बाद रखना तो इसको ऑफ कर लेंगे। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में डेट एंड टाइम चेंज करेंगे। अगर फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट टेक केयर।